नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ RRB NTPC रेलवे NTPC के मॉडल पेपर जो कि GK GS और जनरल अवेयरनेस के हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको 40 प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों ये हमारा 7वें नंबर का वीडियो है। इसके पहले मैं 6 वीडियो 6 मॉडल पेपर बना चुका हूँ जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अतिरिक्त मैं सभी का प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं और प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड करता जा रहा हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों टोटल 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 30 प्रश्न रीजनिंग, 30 प्रश्न मैथ्स और 40 प्रश्न जीके जीएस के आएंगे। तो ये जो आएंगे आपके मैथ्स और रीजनिंग के, इनके लिए भी मैं आपको मॉडल पेपर अभी देने वाला हूँ। और अभी मैं आपको जीके जीएस और जीए के मॉडल पेपर ला रहा हूँ डेली। तो ये हमारा 7वें नंबर का मॉडल पेपर है। इसके पहले 6 मॉडल पेपर बना चुका हूँ, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को जरूर दबा करें, जिससे कि आपको सभी मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। तो चलिए आज मैं आपको 7वें नंबर का मॉडल पेपर बताता हूँ, पूरा समझाता हूँ अच्छे से। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो रेलवे की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल इनमें से ही प्रश्न आएंगे। तो मैं आपके लिए डेली वही मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। आपको बताना है कि इनमें से किस शैवाल के द्वारा आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया शैवाल के द्वारा आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। दोस्तों विज्ञान का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है। मतलब किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है, मतलब कितने मिनट में वह खेल पूरा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 90 मिनट। जो फुटबॉल का मैच होता है वह 90 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है, 90 मिनट का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन कीट की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी। मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आती। खटमल भी आते हैं, मच्छर भी आते हैं और घरेलू मक्खी भी आती है, तो मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आती है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी आती है। सिर्फ हाइड्रोजन ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस की श्रेणी में नहीं आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। आपको शासक का नाम बताना है जिन्होंने भूमि नापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोधी। किसने किया था, सिकंदर लोधी के द्वारा गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया गया था, जो कि भूमि मापने का पैमाना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया। आपको बताना है प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर के द्वारा ही प्रक्षेपास्त्र का विकास किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसने किया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चौधरी रहमत अली। किसने किया था, चौधरी रहमत अली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में। आपको बताना है कि विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीन। कहां पर स्थित है विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल टेराकोटा, चीन में स्थित है। कहां पर स्थित है, चीन में स्थित है। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं, आपके स्टडी वाले ग्रुप हैं, उन पर जरूर शेयर कीजिए इसको। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मॉडल पेपर बताता हूँ डेली, जो कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस के हैं, जिसमें वही प्रश्न है जो रेलवे में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का इनमें सबसे पहला बैंक कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। जो आंख की हमारी पुतलियां होती है ना, उनका जब तेज प्रकाश होता है तो उनका आकार कैसा हो जाता है। तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छोटी हो जाती है। पुतलियां कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आपको बताना है कि जो अंग्रेजी शासनकाल था उसमें भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बिहार। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश इनमें से किसकी रचना है। इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? इनमें से भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत। ताप विद्युत के द्वारा भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चढ़ते सूरज का देश निम्न में से किसे कहा गया है? देखिए, किस देश को चढ़ते सूरज का देश कहा जाता है, मतलब चढ़ते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान को चढ़ते सूरज का देश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1875। 1875 ईस्वी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। दोस्तों आप मेरे साथ उत्तर देते रहिए, आप भी ये भी देते रहिए कि आपको कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं आपके कमेंट बॉक्स में। वीडियो के आखिर में ये जरूर बताइएगा कि 40 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले, और उसके बाद अपने आरआरबी जोन का भी नाम लिखिए कि आप किस आरआरबी जोन से हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें पता पड़ेगा कि किस जोन में कितना कॉम्पिटिशन है, और मैं आपको कट आउट भी बताऊंगा फिर आपको। चलिए दोस्तों तो अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी किस दिन होती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी अपने सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? देखिए, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित, मतलब कितना प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 33%। कितना है? 33% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? आपको बताना है कि इनमें से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों पोलो। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल। लेकिन सबसे बड़ा जो मैदान का आकार होता है वो किस खेल का ग्राउंड का होता है? पोलो का होता है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, पोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? देखिए, धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। कितनी देरी कर सकती है? अधिकतम 14 दिन की देरी कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? आपको बताना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आती है उनमें निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं? पौधे करते हैं। और पौधे क्या बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं। और क्या लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। और हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसलिए पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को वो पौधे बाहर निकालते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? देखिए, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है भारत में? पिक्चर भी आई थी, मूवी भी आपने देखी होगी, मिल्खा सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। वो दौड़ लगाते थे बहुत तेजी से, और उन्होंने इसमें बहुत गोल्ड मेडल भी प्राप्त किए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि पुष्कर झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर दोस्तों राजस्थान। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपको बताना है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीयूष। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मानव शरीर में स्थित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय? आपको बताना है कि इनमें से भारत के किस संघ शासित केंद्र शासित क्षेत्र का
अपना उच्च न्यायालय। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। सिर्फ दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उसका खुद का अपना उच्च न्यायालय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? आपको बताना है कि पानीपत का दूसरा युद्ध इनमें से किनके मध्य हुआ था। इतिहास का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच ही हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल इनमें से कौन सा है? का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 2012। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी। अरविंद केजरीवाल संस्थापक है अरविंद केजरीवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? आपको बताना है कि इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। विज्ञान का प्रश्न है। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बीटा किरण। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की? आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना है, भारतीय खिलाड़ी का नाम जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की थी। हैट्रिक मतलब होता है कि तीन विकेट एक साथ लिए थे। इसका सही उत्तर हो दोस्तों हरभजन सिंह। हरभजन सिंह ऐसे गेंदबाज है भारतीय टीम के जिन्होंने टेस्ट मैच में सबसे पहले हैट्रिक बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? आपको बताना है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से कौन विख्यात है? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अभिनव तारा। अभिनव तारा को बोलते हैं कि ब्रह्मांड में वह एक विस्फोटी तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में? आपको बताना है कि काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गुजरात। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन इनमें से किस राज्य में किया जाता है? सॉरी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति इनमें से कौन थे। सॉरी यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? आपको बताना है कि मड़ई त्यौहार इनमें से किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का आदिवासी त्यौहार है कौन सा? मड़ई त्यौहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? आपको बताना है कि इनमें से किस ईंधन के द्वारा वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन के द्वारा वातावरण में सबसे कम प्रदूषण फैलता है। डीजल कोयला ये सभी ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं वातावरण में, सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा ईंधन है जो कम प्रदूषण फैलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कहां पर विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसी जगह है यहाँ पे विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी। गोवा में भी है, दिल्ली में भी है, पांडिचेरी में भी है, लेकिन लक्षद्वीप में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? आपको बताना है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जेबी कृपलानी के द्वारा लिखी गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आपको बताना है कि कौन सा राज्य, वो कौन सा राज्य है भारत में जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, मतलब लोकसभा सीट सबसे ज्यादा कहाँ पर है? इसका सही उत्तर दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीटें हैं टोटल यहाँ पर? 80 लोकसभा सीटें। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में यही राज्य भेजता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही निकले। इसके अतिरिक्त आपने आरआरबी जोन का नाम भी लिखे, जिससे हमें कमेंट जिससे हमें एक कॉम्पिटिशन का पता पड़ जाए किस जोन में कितना कॉम्पिटिशन है, और अपने मार्क्स जरूर लिखें और आरआरबी जोन का नाम जरूर लिखें। दोस्तों मैं इस तरह के आपके लिए मॉडल पेपर डेली लाता रहता हूँ। ये हमारा अगला मॉडल पेपर था और मैं आपके लिए मैथ्स रीजनिंग के भी मॉडल पेपर लेके आने वाला हूँ। अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को जरूर दबा के रखें, जिससे कि आपको हमारे सभी मॉडल पेपर मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस के मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।